म्यूचुअल फंड्स और पीपीएफ हमेशा इसके बीच में कंपैरिजन होता है पता नहीं क्यों लेकिन हमेशा इसमें कंपैरिजन लोग करने की कोशिश करते हैं कैसे पॉसिबल है अगर दोनों अपने अपने जगह पर बहुत बढ़िया है अगर दोनों सेम कैटेगरी है दोनों के इन्वेस्टमेंट्स अगर सेम जगह पे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं तो उसमें कंपैरिजन बनता है ना अगर वो सेम है ही नहीं तो दोनों में कंपैरिजन कैसे आम और एप्पल कैसे कंपेयर हो सकते हैं लेकिन फिर भी लोग इस कोशिश में लगे होते हैं कि वो दोनों कंपेयर करें हाँ रिटर्न्स के बारे में आप कंपेयर कर सकते हैं थोड़ा सा मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ लेकिन फिर भी रिटर्न्स में भी कैसे कंपेयर करेंगे दोनों का इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल ही अलग है कंपेयर हो ही नहीं सकता लेकिन फिर भी लोगों की ये बहुत डिमांड है कि इसके ऊपर कुछ एक वीडियो लाया जाए इसलिए आज इन्वेस्टमेंट फंडा पर हमने ये वीडियो खास आपके लिए लाया हुआ है कि ये पीपीएफ और म्यूचुअल फंड दोनों अपने आप में कैसे अलग है कैसे यूनिक है ये बताने के लिए और हम ये आशा करते हैं कि इसके बाद आप वो उतना उस तरीके से कंपेयर नहीं करोगे इन दोनों को तो चलिए फिर देखते हैं ये दोनों है क्या चीज़ लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो और ये वीडियो लाइक करिए और ये शेयर करिए वीडियो चलिए फिर अब देखते हैं कि ये पी और म्यूचुअल फंड है क्या चीज़ जब सेफ्टी की बात आती है तो पीपीएफ और म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ा डिफरेंस है पीपीएफ पी ये गवर्नमेंट ने ऑफर किया हुआ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है पीपीएफ का पैसा गवर्नमेंट यूज़ करती है पीपीएफ का जो पैसा गवर्नमेंट यूज़ करती है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट ही देती है यानी ये पूरा गवर्नमेंट ऑपरेटेड है पीपीएफ तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी है वहां पर लेकिन रिटर्न्स जो है वो एक लिमिटेड होते हैं वहाँ पे सेफ्टी है लेकिन लिमिटेड रिटर्न्स होते हैं लेकिन म्यूचुअल फंड्स ये म्यूचुअल फंड कंपनी जिनको एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएनसी कहा जाता है वो ऑफ़र करते हैं वहाँ पर एक इन्वेस्टर्स का एक पूल होता है यानी आप एज ए इन्वेस्टर वहाँ पे उनको पैसा देते हैं लोगों का पैसा वहाँ पे इकट्ठा होता है और फिर वो पैसा एज अ होल एज अ यूनिट वो पैसा इन्वेस्ट होता है शेयर मार्केट डिवेंचर्स डेट इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स डिपॉजिट्स वगैरह वो सारे चीज़ों में वो उस स्कीम के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इन्वेस्ट होता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे वो शेयर मार्केट रिलेटेड है या फिर बॉन्ड्स के रेट्स भी बदलते रहते हैं उनके क्रेडिट रेटिंग्स चेंज होते रहते हैं तो उसके हिसाब से रिटर्न्स भी चेंज होते रहते हैं तो सेफ्टी के हिसाब से अगर आप देखें पी बहुत ज़्यादा सेफ है और एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स जब रिटर्नस की बात आती है तो वापस ये दोनों इंस्ट्रूमेंट अलग अलग टाइप से रिटर्न देते हैं पी के जो रिटर्न है वो हर तिमाही में यानी हर क्वार्टर में उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्लेयर किया जाता है गवर्नमेंट से अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कम ज़्यादा थोड़ा थोड़ा इधर उधर इधर उधर होता रहता है लेकिन म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो ये तो शेयर मार्केट रिलेटेड है तो यहाँ पर तो आ, कई बार बड़े पैमाने पर पे ऊपर नीचे रेट्स में हो सकता है शेयर मार्केट में गारंटेड रिटर्न्स कोई भी नहीं दे सकता बाय रूल और थेरोटिकली भी कैसे दे शेयर मार्केट के शेयर्स के प्राइसेस ऊपर नीचे जाते हैं बॉन्ड्स है गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, है जो डिपॉजिट्स है या फिर जो बाकी के बॉन्ड्स होते हैं जहाँ पे डिबेंचर्स वगैरह होते हैं जब वहां पे इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं तो उसके भी पीरियडिकली उसके भी रेटिंग्स चेंज होते रहते हैं तो रिटर्न वहाँ पर गारंटेड मिलना नामुमकिन है लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें तो रिटर्न अच्छे होते हैं सबसे पहले तो ज़रा एक नज़र डालते हैं कि पी के ऊपर किस तरीके के रिटर्न मिलते हैं और पास्ट में मिले है चलिए फिर देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2012 2013 में 8.8% के रिटर्न्स मिल रहे थे पीपीएफ पर और वो कम होते होते बीच में एक बार बढ़े भी थे कुछ टाइम के लिए लेकिन वापस वो और नीचे आते-आते अब 7.1% मिल रहे हैं सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये ट्रेंड कम होते हुए दिख रहा है ज्यादा बढ़ना नामुमकिन है 8% या उसके ऊपर जाना लगभग नामुमकिन है जनरली पीपीएफ में एट परसेंट रिटर्न तो मिलते नहीं है वो जमाना कब का चला गया कि जब एट परसेंट मिलते थे आज के डेट में कितने रिटर्न मिलते हैं ये अभी भी आपने देखा है लेकिन फिर भी लोग हमें हमेशा कहते हैं कि अरे आप तो बहुत ही ज्यादा कॉन्जर्वेटिव अप्रोच लेते हैं थोड़ा सा लिबरल लीजिए थोड़ा सा एट परसेंट के आसपास लीजिए इसलिए मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है कि एट परसेंट के पीपीएफ के रिटर्न से कितना रिटर्न मिलेगा और यहाँ पर हमने कंसिडर किया है कि पैंतीस साल तक डेढ़ लाख रुपए हर साल पे करेंगे और हर साल एट परसेंट रिटर्न मिलता है ये कंसिडर क्या ये लगभग नामुमकिन है तो 35 साल तक डेढ़ लाख रुपए भरने के बाद टोटल हो जाते हैं साढ़े बावन लाख रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट और फिर आपका रिटायरमेंट का कॉर्पस यानी जो टोटल फंड वैल्यू है आपके रिटायरमेंट के टाइम जो आपको मिलेगी 35 साल के बाद वो होगी लगभग 2.79 पॉइंट सेवन नाइन ये तो थे पीपीएफ के रिटर्न्स अब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में किस तरीके के रिटर्न्स मिलते हैं आपको एक शॉर्ट टर्म अभी म्यूचुअल फंड के मैं रिटर्न दिखा रहा हूँ लेकिन लॉन्ग टर्म पे भी यहाँ पे कुछ रिटर्न्स में दिखाने वाला हूँ एक चीज़ आप प्लीज़ यहाँ पे याद रखिए कि म्यूचुअल फंड के जो पास्ट परफॉर्मेंस के रिटर्न होते हैं ज़रूरी नहीं है कि अभी भी सेम रहेंगे फ्यूचर में दूसरी बात कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट मैटर टू मार्केट रिस्क अब उनके जो ऑफर डॉक्यूमेंट है वो आपने ठीक से पढ़ने चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले यहाँ पर जो मैं आपको रिटर्न्स दिखाने जा रहा हूँ म्यूचुअल फंड के ये रियल रिटर्न्स है असल रिटर्न से और इसमें शेयर मार्केट के सारे उतार चढ़ाव आपको दिखाई देंगे यानी इतने लॉन्ग रन में अब आपको भी पता है आप भी पेपर भी पढ़ते हैं मीडिया को देखते हैं न्यूज़ देखते हैं शेयर मार्केट कितनी बार हेवीली गिरा है उसके बाद वापस उतना ही जोर से उभर कर आया है ये एक रबर बॉल की तरह होता है जितना जोर से नीचे जाएगा उसे जोर ज़्यादा होगा ऊपर आने के लिए तो इतने सारे उतार चढ़ाव के बाद ये म्यूचुअल फंड्स ने कितने रिटर्न्स दिए हैं जो अभी आपको मैं दिखाऊंगा वो रियल रिटर्न्स है लेकिन वहाँ पे मैं आपको कंपनी या स्कीम का नाम नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं ये वीडियो अनबायस्ड रखना चाहता हूँ किसी एक कंपनी को मैं रिकमेंड नहीं करना चाहता किसी एक कंपनी का मार्केटिंग नहीं करना चाहता हूँ अगर आपको चाहिए कि ये फंड्स के नाम क्या है हम जरूर करेंगे लेकिन जब आपका हमारे पास फाइनेंशियल एनालिसिस आप करवाओगे उसी टाइम पे जब हम आमने सामने बात करेंगे उस टाइम में आपको दिखाऊंगा ऑफ ट्रैक बताऊंगा ऑफ स्क्रीन बताऊंगा यहाँ पे स्क्रीन पर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा फिर भी आपको एक झलक तो दिखाऊंगा अभी रिटेल्स किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स में मिलते हैं हमेशा याद रखिए कि म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट रिलेटेड होते हैं तो आपके फंड्स में उतार चढ़ाव हो सकते हैं अब हम देखते हैं कि अगर किसी ने पांच लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते एक जनवरी 2003 को तो अब उनकी फंड वैल्यू टोटल कितनी हुई होती इसके लिए हम फंड्स के नाम नहीं लिखेंगे लेकिन हम फंड के सिर्फ एबीसीडी बोलेंगे क्योंकि मैं यहाँ पे किसी भी तरीके से बायसिंग नहीं करना चाहता हूं अगर आपको इनके नाम जानने हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ये जो वैल्यू है इन फंड्स की ये ट्वेंटी अप्रैल टू की है एक बात याद रखिए कि यहाँ जो भी फंड वाले आपको दिखाई दी जा रहे हैं उसमें सारे उतार चढ़ाव शेयर मार्केट के इंक्लूडेड है कोई भी स्विचिंग नहीं किया गया कोई भी रिडंक्शन नहीं किया गया प, बस पैसा इन्वेस्ट किया एक जनवरी 2003 को और डायरेक्टली अब उसकी वैल्यू कितनी हुई है ट्वेंटी अप्रैल को वो दिखा रहे हैं अब यहाँ सारे उतार चढ़ाव जो मेजर फॉल है छोटे छोटे फॉल है और जो ऊपर गया है मार्केट सारा कुछ इंक्लूड है फंड ए की वैल्यू हो गई है उनसठ लाख तिरासी हजार फंड बी की एक करोड़ पांच लाख फंड सी की एक करोड़ तीस लाख फंड डी की एक करोड़ सत्ताईस लाख फंड ई की एक करोड़ छियालीस लाख फंड एफ की एक करोड़ छसठ लाख फंड जी की एक करोड़ पचहत्तर लाख फंड एच की दो करोड़ साठ लाख और फंड आई की दो करोड़ अस्सी लाख दोस्तों ये थोड़ी सी फंड वैल्यू ध्यान से देखिए सिर्फ पांच लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे एक बार भी पैनिक नहीं हुए एक बार भी पैसा नहीं निकाला एक बार भी स्विचिंग नहीं किया फिर भी ये हालत है और ये इतने ही फंड्स नहीं है बहुत सारे फंड्स है यहाँ पे एक ही की है वेल्थ क्रिएशन की और वो है पेशेंस जब लिक्विडिटी की बात आती है यानी आपको आपका पैसा वापस कब मिलेगा तो ये दोनों इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट अलग तरीके से काम करते हैं पीपीएफ में आप लोन निकाल सकते हैं पीपीएफ के अगेंस्ट जो तीसरे से छठे साल के बीच में आप कर सकते हैं लेकिन अगर आपको आपका पैसा पार्शल विड्रॉल करना है तो वो सातवें साल से आप कर सकते हैं यानी छः साल पूरे होने के बाद लेकिन कई बैंक आपको ये पाँचवें साल के बाद भी दे सकते हैं ये बैंक टू बैंक डिफर करता है पांच साल या सात साल या आप अपने अपने बैंक से पूछ लीजिएगा लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं म्यूचुअल फंड में कोई लॉक इन नहीं होता अगर आपने ई एल एस एस यानी म्यूचुअल फंड की जो टैक्स uh, सेविंग की जो स्कीम्स होती है ई एल एस एस इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम अगर उसमें इन्वेस्टमेंट की है तो तीन साल का लॉक इन होता है उसके बाद आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं तीस साल के बाद भी निकाल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आपका पैसा ई एल एस एस में इन्वेस्टेड नहीं है नॉर्मल स्कीम में अगर आपका पैसा इन्वेस्टेड है तो आप कभी भी वो पैसा निकाल सकते हैं अगर इक्विटी फंड से आप पैसा निकाल रहे हैं तो विड्रॉवल के दिन को पकड़ के आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में चौथे वर्किंग डे में आ जाएगा वापस और अगर आप आपका पैसा लिक्विड फंड या डेट फंड से अगर आप निकाल रहे हैं तो आपका पैसा नेक्स्ट वर्किंग डे में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा म्यूचुअल फंड में आप लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं अब कई बैंक्स ये प्रोडक्ट लेके आए हैं कि आपको आपके म्यूचुअल फंड्स वहाँ पे लीन करने पड़ेंगे यानी गिरवी रखने पड़ेंगे और वहाँ पे आपको वो म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन मिलेगा अब ये कितना लोन मिलेगा कितने परसेंट मिलेगा कितना परसेंट उसका इंटरेस्ट रहेगा क्या सिस्टम रहेगी ये हर बैंक से वो डिफ़र करता है बैंक टू बैंक तो आप अपने जो बैंक से वहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि इसकी फैसिलिटी है कि नहीं या फिर इंटरनेट पे आप गूगल कर लीजिएगा आपको पता चल जाएगा कौन सी बैंक इसकी फैसिलिटी देती है चलिए अब बात करते हैं टैक्सेशन की पीपीएफ में जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन एटी सी के तहत आपको डेढ़ लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट हो सकता है यानी डेढ़ लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आप पीपीएफ में अगर करते हैं तो उतना पैसा आपके ग्रॉस आपका जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से आपका माइनस हो जाएगा अब यहाँ पर आप अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है मिनिमम इन्वेस्टमेंट पाँच सौ रुपया है ऐसा नहीं कि डेढ़ लाख अगर का है तो डेढ़ लाख ही करना पड़ेगा ऐसा नहीं है बेनिफिट आपको अप टू वन पॉइंट फाइव लैक्स मिलेगा ये हम कहना चाहते हैं और जब आपको ये पैसा मिलेगा यानी विथ इंटरेस्ट जो भी आपको जो भी अमाउंट आप निकालोगे उसमें से मिलेगी आपको अमाउंट वो अमाउंट पूरे तरीके से टैक्स फ्री रहेगी म्यूचुअल फंड में अगर आपने ई की स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पर भी आप सेम वही सेक्शन ए सी जो इनकम टैक्स एक्ट का है उसके तहत डेढ़ लाख रुपये तक का बेनिफिट सेम पी जैसा आप ले सकते हैं अगर नॉर्मल म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते टाइम आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड से पैसा निकालते टाइम टैक्सेशन कैसे होता है अगर इक्विटी फंड है और अगर इन्वेस्टमेंट के डेट के बाद इन्वेस्टमेंट ध्यान से सुनिए इन्वेस्टमेंट के डेट के बाद एक साल के अंदर अगर आप पैसा निकालते हैं तो जो प्रॉफिट होता है मैं प्रिंसिपल अमाउंट यानी आपके मुद्दल की बात नहीं कर रहा हूँ जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के ऊपर आपको पंद्रह परसेंट का टैक्स पे करना पड़ेगा लेकिन यही अमाउंट अगर आप इन्वेस्टमेंट डेट के बाद एक साल के बाद अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको पहला जो एक लाख रुपए का जो भी पहला जो प्रॉफिट होगा मैं बेस अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ प्रिंसिपल अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ जो एक लाख रुपए तक का उस फाइनेंशियल कर का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर एक रुपये भी टैक्स नहीं पड़ेगा लेकिन एक लाख के ऊपर की जो बाकी के अमाउंट है उसके ऊपर सिर्फ दस आपको टैक्स पे करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रैशनली की यानी एक लॉजिक जो होता है कि आप ये इंस्ट्रूमेंट्स में क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे क्यों पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करेंगे बिकॉज आपको चाहिए पैसे की बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी आपको चाहिए कि आपका पैसा डूबे नहीं आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी कम नहीं होना चाहिए रिस्क कैपिटेड है ही नहीं बहुत बहुत लो रिस्क कैपिटेड है आप रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते आपके पैसे के साथ तो ठीक है वो आप पी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन अगर आपको सुपीरियर रिटर्न चाहिए अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए अच्छा वेल्थ क्रिएशन करना है आपको या अच्छे बैंक पोस्ट और ये पी सबसे ज़्यादा अगर आपको रिटर्न का पोटेंशियल आपको एक्सप्लोर करना है तो म्यूचुअल फंड आर द बेस्ट अगर आपको पैसा पहले निकालना है अगर आपने डिसाइड किया है कि ठीक है आप पीपीएफ में लंबे समय तक पैसा रखोगे लेकिन आपको वो प्री मैच्योर क्लोज कर देना है वो अकाउंट बेच देना है जो भी आपका अकाउंट वो आपको बंद करके आपको लेकिन अगर आपको आपका पैसा वापस चाहिए आपको पीपीएफ का अकाउंट बंद कर देना है तो क्या तो आपका अकाउंट पहले तो सबसे पहले पाँच साल मिनिमम अकाउंट, अकाउंट कंटिन्यू होना चाहिए पाँच साल के बाद आपको ये फैसिलिटी मिलती है और आपको जो चार्ज पड़ता है वो वन परसेंट जो रिटर्न के ऊपर एक लोअर होता है वन परसेंट आपको चार्ज लगेगा और फिर बाकी बची हुई अमाउंट आपको मिलेगी लेकिन उसके लिए वैलिड रीज़न होना बहुत ज़रूरी है उसके प्रूफ वहाँ पे आपको देने पड़ेंगे वैलिड रीज़न ने आ, किसी डेडली डिजीज़ है क्रॉनिक डिजीज़ हुआ है उसकी ट्रीटमेंट करनी है या बच्चों की शादी है बच्चों का हायर एजुकेशन है या घर खरीदना है या फिर घर का पूरा रिनोवेशन करना है लेकिन उसके सारे रिसीट्स वगैरह आपको वहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे तभी जाके आप ये अकाउंट पी का बंद कर सकते हैं लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना है वो भी ई एल स्कीम से तो तीन साल के अंदर आप ये पैसा नहीं निकाल सकते चाहे जो भी हो जाए तीन साल के अंदर आप ई एल स्कीम जो होती है म्यूचुअल फंड की उसमें से पैसा नहीं निकाल पाओगे एक ही ऑप्शन होता है वहाँ पर अगर पैसा निकालना ही है तो अगर किसी यूनिट होल्डर की डेथ हो जाती है तो फिर उनके जो सर्वाइवर्स जो हैं उनको ऑप्शन मिलता है कि क्या आपको विड्रॉ करना है क्या तीन साल से पहले अदरवाइज़ म्यूचुअल फंड से ई एल स्कीम में तीन साल के अंदर आप पैसा नहीं निकाल सकते कुछ भी हो जाए लेकिन अगर आपका पैसा नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में है तो आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं कोई भी लॉक इन नहीं होता अगर एक साल से पहले यानी इन्वेस्टमेंट की डेट के एक साल से पहले अगर आप पैसा निकाल रहे हैं तो आपको अप टू वन परसेंट कई कंपनीज़ ऑन प्रोरेटा बेसिस चार्ज आपको लगाएगी यानी वो भी नॉमिनल होता है सो ज़्यादा बड़ा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अब टैक्सेशन के बारे में वापस एक बार थोड़ी सी बात करते हैं कि अगर आपका पैसा डेट फंड्स में है तो वहाँ पर आप जब भी ये पैसा निकालोगे तो उसका टैक्सेशन जैसे आपका प्रॉपर्टी का टैक्सेशन होता है ना इंडेक्सेशन होता है सेम उसी तरीके से आपके डेट फंड्स का भी टैक्सेशन होगा अगर वो पैसा आप इन्वेस्टमेंट के बाद तीन साल के बाद निकाल रहे हैं लेकिन अगर डेट इन्वेस्टमेंट से डेट फंड से अगर आप पैसा तीन साल के अंदर निकाल रहे हैं तो आपके जो इनकम टैक्स की जो स्लैब है उसके हिसाब से उस प्रॉफिट पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा तो अब हमने म्यूचुअल फंड देख लिया हमने पीपीएफ देख लिया सवाल यह पैदा होता है कि आप किस में इन्वेस्ट करें सिंपल सी बात है अगर आपको बहुत ज्यादा सेफ्टी चाहिए पीपीएफ है अगर आपको अच्छे खासे रिटर्न्स Uh, का आपको एक्सप्लोर करना है मार्केट पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करनी है म्यूचुअल फंड आर द बेस्ट लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप वापस एक बार थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके चाहो तो देख लीजिए लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड से कितने रिटर्न्स मिले हैं वहाँ पे ये डर की ज़रूरत ही नहीं है कि मार्केट ऊपर गया नीचे गया आपके सामने मैंने रिटर्न्स देखें फंड ए बी सी डी जो लिखा हुआ है ना वो ज़रा एक बार फिर देख लीजिए और फिर आप अपना ही कैलकुलेशन कीजिए कि पीपीएफ में पंद्रह साल में कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं और फिर यहाँ पे म्यूचुअल फंड में कितना पोटेंशियल है सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद आपके सामने है सब कुछ तो आप डिसाइड करिए आपको कितना रिस्क लेना है आपका इन्वेस्टमेंट एपीडेट कैसा है आप कितने पैनिक हो जाते हैं किसी सिचुएशन में उसके ऊपर आपको ये डिसाइड करना है अगर आपको ये डिसाइड करने में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कुछ क्वेरीज है तो आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर म्यूचुअल फंड के जो एम सर्टिफाइड जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं अगर कोई भी आपको ट्रेस नहीं हो रहे हैं ऑफ़कोर्स हम लोग यहाँ पर बैठे हैं आपको गाइड करने के लिए हमारे सारे जो डिटेल्स है कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं सो आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अब इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ एक अलग फंडे के साथ लेकिन उससे पहले जाने से पहले आप प्लीज ये वीडियो लाइक करिए शेयर करिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है सब्सक्राइब अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप अपनी और अपनी फैमिली की और अपनी वेल्थ का बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में बाय बाय